मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, रेडी हो चुकी हूँ, 11 बज रहे हैं। ब्लॉग आप लोग सोच रहे हैं कि इतनी लेट स्टार्ट क्यों होता है। सो यार, सुबह दो दिन से वाईफाई इतना दिक्कत रहा है ना कि मतलब सारे ऐसा लगता है एक आध घंटे तो मुझे ब्लॉग लेट भी पड़ रहा है। ब्लॉग एडिट करके पोस्ट कर देती हूँ, देखती हूँ तो मतलब प्रोसेसिंग चल रही है 16% 17% वाईफाई से। इतना बुरा सिग्नल चल रहा है इस टाइम जियो का, बेहद गंदा वाला। एनीवेज, आज चेक करवाऊंगी यहाँ पे कितना सिग्नल, जैसे होता है ना कुछ चेक करते हैं वो लोग आकर कि भाई कितना चल रहा है। इसी वजह से हो सकता है कनेक्टिविटी बहुत स्लो आ रही है। तो सारा टाइम सुबह मेरे तो 1.5-2 घंटा सुबह इसमें ही निकल जाते हैं। सो गाइस, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर चुका है, 11 बजने वाले हैं। तो मतलब ये है ब्राइडल बैच मेरा आने ही वाला होगा, तो मैं भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करके रेडी हो चुकी हूँ। बाहर आई थी क्योंकि घर में गेस्ट आए हैं, तो वो लोग अपना रेडी हो रहे हैं, तो मैं बाहर अपना स्टार्ट करने के लिए आ गई। एनीवेज, अंदर चलती हूँ, थोड़ा सा लेट जाती हूँ, उसके बाद अपना ब्राइडल बैच लगाऊंगी। सो गाइज, अभी बज रहे हैं 1 एंड जो है गोलू 1 मिनट बल्कि ज़्यादा हो रहे हैं, 1.5 बज रहे हैं। गोलू स्कूल से आ चुका है, स्कूल से आते के साथ ही देखो बेबी उठो और फ्रूट से ये सज रहे हैं। सीन ये हुआ था कि मैंने ये सोचा कि मैं कल लाओ फटाफट से, गोलू आने वाला होगा, फ्रूट्स निकाल के रख देती हूँ क्योंकि गर्मी में आता है फिर एकदम से ठंडी फ्रूट्स फ्रिज के फ्रूट्स खाएगा तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि भाई सर्दी गर्मी हो गई, छीके जाले हो गए, कुछ नहीं तो कलाई ख़राब हो गया, इस वजह से फ्रूट्स रखे उसको उठा के। और ये आके गोलू उठो बेटा, मैंने लोअर टी शर्ट भी निकाल के रख दिया, उठ ले आके गोलू, उठो चलो। तो क्यों सोया, तेरी गलती है ना। तो गाइज, अभी फिलहाल पीछे चल रहा है मेरे स्टोर में काम, तो मैं जाकर पीछे काम देखती हूँ और इसको उठा के जाती हूँ, उठ ले। सो गाइज, अभी बज रहे हैं 4:15 बज रहे हैं, गोलू जब से आया तब से सोए जा रहा है। मैंने बालों में ना तेल डलवाया है, तेल डलवाया है, बूंदी हुई चोटी बनवाई क्योंकि ना बालों की स्टेप बैंड बची पड़ी है, कल एक फंक्शन में भी जाना है तो उसकी वजह से भाई हेयर वॉश हो गई होगा कल, तो ऐसे बेटर है आज ऑयलिंग कर लो। आज कल काशी तो थी, फ्राइडे था, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल आराम से मेरे जो है बालों में, आज जैसे मैंने तेल डाल चुके, कल आराम से हेयर वॉश हो जाएगा। मैं ये याद करने लगी थी यार, एक ना मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था, उसमें ये दे रखा था किस दिन से धोना चाहिए, किस दिन से नहीं धोना चाहिए, किस दिन तेल डालना चाहिए, किस दिन नहीं तेल डालना चाहिए। अब मुझे देखना पड़ेगा, मैंने आज गलत दिन तो तेल नहीं डाल दिया। एनी वे, सोच रही हूँ थोड़ी देर मैं सोती हूँ। फाइनली मैं सो के उठ चुका हूँ और यहाँ पर मम्मी भी उठी है मेरे साथ। और अभी तो स्कूल में आज होमवर्क दिया था, कि मतलब कुछ होमवर्क दिया था, प्रैक्टिकल होमवर्क था, तब मैं जा रहा हूँ भाई सामान लेने। कैसा ग्लास चाहिए, कांच का? इतना तो होना चाहिए, रखोगे घर पे रखोगे? हाँ हाँ, इतना बड़ा चलेगा, थोड़ा सा बड़ा। हाँ, क्या करना है अब? मुझे रुई चाहिए थी, रुई चाहिए। हाँ, लास्ट में हो गई थी। लो, थोड़ी सी मम्मी, और ज्यादा भी कम चाहिए? सॉरी, और ज्यादा चाहिए थी, इतनी मिलेगी क्या? नहीं, बहुत है, जितनी चाहे उतनी लो। कितनी? थोड़ी सी और, दो बार डालनी है रुई तो। बस ले लिया भाई, अब हम लोग, अब मुझे ग्राम चाहिए, 500 के काम करवाती है। बट सॉरी मैम, अगर आप व्लॉग देख रहे हैं तो दो तो डालो कम से कम। मैम नहीं काटा, मैम के कहने से काटा, कम से कम दो चने तो बो दो तो। और अगर इसमें से एक भी नहीं हुआ तो चलो हो गया।
हम लोग स्कूल अब एक चलो मेरे को पिछले साल भी अप्रैल में एक प्रोजेक्ट करवाया था ऐसे ही उनसे कुछ और करना तुम डालेंगे ये मतलब ये जो कॉटन है ना ये मिट्टी का काम कर रहा है अच्छा हाँ वो बची है थोड़ी कोई बात नहीं है हम थोड़ी सी डालेंगे कॉटन फिर अब थोड़ा सा इसको इधर कर दे रहा जैसे कि दिखे नहीं छोड़ो इसे कहाँ रखना होगा हमें इसे मैंने कहा कि कहीं पर नहीं रखना धूप में रखोगे मैंने कहा कि धूप की जरूरत नहीं पड़ेगी अच्छा मिट्टी को भी धूप की जरूरत पड़ती है ऐसे क्यों नहीं पड़ेगी खोलूं चलो अब जानती हूं उनको दर्शिका हाँ। अच्छा अच्छा ऊपर आ गई हम इन डालेंगे थोड़ा सा पानी ना हो गया अबे नीचे पानी देंगे तो पिएगी पानी रुई पिएगी अपने आप नीचे आ जाएगी वो अपने आप आ जाएगी नीचे थोड़ा सा नीचे कर दो नीचे नहीं डला चम्मच से उसको करो वो डर करेगी पिएगी पानी वो भी वो कहाँ है वो उसके बीच में सो गाइस अभी तो जो है जस्ट मैंने क्लास ली है अपनी आज सुबह मॉर्निंग की क्लास मेरी स्किप हो गई थी एक्चुअली हम लोग सुबह एक्सरसाइज करते तो मैंने सुबह वाला बैच ज्वाइन कर लिया रात को इतना जाना आना शाम को किटी रहा फ्रेंड्स रहा इतनी सारी चीज़ें रहती है ना तो मैं रात की शाम की जो क्लास थी मेरी हो ही नहीं पाती थी तो मैंने ना सुबह वाला बैच ज्वाइन कर लिया अब रात मैंने एंटी एलर्जी दवाई खाई तो उसमें इतनी नींद होती है ना कि मेरी आँखें नहीं खुली और फिर ना कल मेरे पास एडिटिंग का बहुत काम था कल मैंने धड़ाधड़ मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने चार रील पोस्ट करी थी तो गाइस आज एक्सरसाइज मैंने कर ली है गोलू जो है अभी भी बना रहा है कर रहा है अपने स्कूल का काम स्कूल में काफ़ी सारा काम दिया है तो बस गाइस अभी बस चाय को आज एक घंटा लेट हो चुकी हूँ तो मैं अभी जा रही हूँ किचन में और मैं बनाती हूँ चाय गोलू तुम्हारे लिए ठंडा दूध बना दूँ हाथ दो हाथ बेटा हाँ। है ना ठीक है इसमें वो मत डालना क्या कहते हैं वो पड़ेगा बेटा सब पे पी रहा तुम्हारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा है वो चुप रहा तेरी बनाऊं खाने आ रही है इसकी फोटो स्टेट हो रही है बोलो तुम ही बोलोगे आज सो गाइस हम जा रहे हैं आज घूमने देखिए नैना कैसे बैठती है कूदती है ये पता रखो तो गाइस अभी हम लोग जा रहे ये कौन खोलेगा ओ बेबी मेरे पैसे कट जाएंगे हाँ बस तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए रील जो है हम लोग आखिर बनाएंगे यार सही करा है मैंने आज ड्राइंग रूम यार हाँ तुम लोग फैला देते हो अभी मैं चलती हूँ ड्राइंग रूम में मैं ड्राइंग रूम में ना सच्ची कहूँ जब मतलब ड्राइंग रूम मेरे को सेट करवा देती हूँ ना तो मैं इसमें घुसना भी पसंद नहीं करती हूँ जब तक फैल रहा है तब तक फैल रहा है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब इसको सेट करवा दिया तो मैं ऐसे बैठती हूँ ओ माय गॉड कुछ भी नहीं हल्का सा भी बिगड़े तो बस गाइस आ चुकी हूँ अब शूट करूँगी यहाँ पे रील अपनी तो मिलती हूँ गाइस रील बनाने की अभी तो हम लोग जा रहे हैं मिठाई लेने और आइसक्रीम लेंगे और लौकी की लॉन्च अभी तो हम लोग आ चुके हैं आइसक्रीम की दुकान पर और बस ले रहे हैं आइसक्रीम लेकर आ चुके हैं एंड अब चलते हैं आइसक्रीम खाते हैं चलो डायरेक्ट आ चुकी है हमारी आइसक्रीम सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11:15 एंड मैं अगेन बैठी हूँ गोलू की नोटबुक्स और बुक्स पे कवर अप करने के लिए क्योंकि मैं एक साथ इतनी सारी नोटबुक्स और बुक्स पे नहीं कवर चढ़ा सकती क्योंकि 20 बुक्स हैं 10 नोटबुक्स तो होती है बाकी रही भाई प्रैक्टिकल नोटबुक ये वो फलाना ढिमकाना तो मैं नहीं चढ़ा सकती मैं धीरे धीरे चढ़ाती हूँ फिर ऐसा नहीं है मेरे साथ कि मैं सिर्फ कवर ही करूँगी मैं उसके बाद सेलोफिन भी चढ़ाऊँगी तो मेरा प्रोसीजर आराम से एक आध हफ्ते का चढ़ता अभी तो सिर्फ नोटबुक्स पे कवर चढ़ाई उसके बाद इसके ऊपर सेलोफिन चढ़ाऊँगी जैसे कि बुक्स अच्छी से रहे लेकिन इसके लिए फाड़ देता है
एनीवेज टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि उसके बाद मुझे ना ब्राइडल्स वाले बैच की एडिटिंग एंड मर्जिंग भी करनी है, सॉन्ग सब बहुत सारा काम करना है मेरे को अभी, मतलब एक डेढ़ घंटा मुझे फ़ोन पे काम करना है। तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, बस मैं 10 से 15 मिनट ना कवर चढ़ाऊँगी। 15 मिनट में मेरी ये 3 नोटबुक्स हैं, एक ये बोल रहा है, ये 4 चीज़ें, इन पे 15 मिनट में कवर चढ़ा दूँगी। उसके बाद मैं आगे का काम, मतलब एडिटिंग मर्जिंग ये सब जो गाना वाना है इन सब का काम करूँगी। उसके बाद व्लॉग वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं मेरी। तो गाइस मैं मिलती हूँ सीधे अब कवर चढ़ाने के बाद। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 1:30, गोलू के बुक्स वगैरह पे कवर वगैरह चढ़ा कर चुकी हूँ। तो गाइस आज के सुबह इतना ही, मतलब ये समझ लो 6 बजे से रात के 1:30 बज जाते लगातार एडिटिंग वगैरह ये सब चलती रहती है। तो गाइस आज के सिर्फ इतना ही, टिल देन टेक केयर, डू मोर शेयर, डू मोर लाइक्स, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स, बाय बाय।